अच्छा निशान, आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम। तुझे तुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा आज, ठीक है? ओके सर। ओके पीपल, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जो जो होमवर्क दिया था, किया तुम लोगों ने? डिड यू डू द क्वेश्चंस जो मैंने दिया है? यस अब सर। यस सर। ये जो क्वेश्चन तुमको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका आंसर आ गया? ये जो कहता है यस आंसर, सर। यस सर। यस सर। ओके, ये तो नहीं दिया था आई थिंक, राइट? दिस वाज नॉट गिवन टू नो यू। सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम जो कल मोशन एंड ग्रेविटी स्टडी कर रहे थे, उसी स्टडी को ना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? विल कंटिन्यू द सेम स्टडी, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ऑल ऑफ यू रेडी पीपल? स्टार्ट करें? यस सर। ओके, तो ये कहानी देखते हैं। ये कहानी क्या है? द बलून इज राइजिंग अप एट 30 मीटर पर सेकेंड एंड ए स्टोन इज रिलीज्ड व्हेन इट इज अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जमीन है और यहाँ पर हमारे पास एक बलून है, ठीक है? दिस इज अ बलून हियर एंड इट इज राइजिंग अप एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये बलून जो है, दैट इज राइजिंग अप विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड एंड द स्टोन इज रिलीज व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा वो कितना हाइट है? दैट इज 80 मीटर्स। तब यहाँ से एक स्टोन को रिलीज किया गया। दिस इज द स्टोन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। कितने टाइम के बाद ये स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा वो बताना है हमें, ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट यस ओके पीपल? सर। थोड़ा यस सर। यस सर। सा डायग्राम को चेंज कर देते हैं। यहां से स्टोन को रिलीज किया, हाँ? ये स्टोन है हमारा, एंड इट इज मूविंग अप स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अच्छा, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क, यहाँ पर बोला क्या गया है? द स्टोन इज रिलीज्ड, मतलब छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन? स्टोन का इनिशियल सर वेलोसिटी क्या होगा जीरो अगर हम? जीरो सर। ओके, जीरो सर। सो सर दैट इज व्हाट आई थर्टी वाज मीटर पर एक्सपेक्टिंग। सेकेंड एग्जैक्टली, बहुत लोग इसको जीरो बोलेंगे, बट जीरो बोलना गलत है। इस स्टोन को अगर तुम रिलीज करोगे, नो डाउट तुमने स्टोन को रिलीज किया, लेकिन जनता तुमको पहले ये समझना है कि तुमने इस स्टोन को रिलीज कहाँ से किया। यू आर सिटिंग इनसाइड द बलून एंड द बलून इटसेल्फ इज मूविंग अप विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो बलून में अगर तुमने अपने हाथ में पत्थर को रखा है और तुम बलून के अंदर हो, तो बलून खुद अगर 30 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा होगा, तो तुम बलून के साथ भी 30 मीटर पर सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वो भी 30 मीटर पर सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। यू पीपल एग्री विथ मी? यस सर। तुमने यस सर। रियल लाइफ यस में भी सर। यस देखा सर। होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक बस में ट्रैवल करो या गाड़ी में ट्रैवल करो, है ना? तुमने हाथ को निकाल के एक पत्थर छोड़ दिया। सोचो तुम रास्ते में खड़े हुए हो, स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ, और तुमने देखा कि गाड़ी से एक लड़का जा रहा है। उसने क्या किया? उसने खिड़की से बाहर एक सामान फेंकी। तो इफ यू सी प्रॉपरली, वो जो सामान गिरेगा ना, जनता मैं दिखाता हूँ डायग्राम बना के। अगर ये है एनएटा से, ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इसने कुछ सामान को फेंका है ना, और तुम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो, तो ये जो सामान है डायरेक्टली ऐसा नहीं गिरेगा, ऐसा गिरेगा। दिस इज हाउ द थिंग विल फॉल, इस तरीके से गिरेगा। डू पीपल एग्री विथ मी? जब वो चीज को छोड़ेगा, यस रिलीज करेगा, सर। वो सीधा नहीं यस गिरेगा, सर। वो यस सर। आगे गिरेगा, राइट? क्यों आगे गिरेगा जनता? बिकॉज तुमने जब इसको रिलीज किया ना, तो इसके पास इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है। दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी खुद ट्रैवल कर रहा था, तो गाड़ी के अंदर जो भी सामान है वो उनके पास भी गाड़ी का स्पीड होगा। तो अगर तुमने पत्थर को रिलीज किया, बोला गया है रिलीज है, बट दिस इज रिलीज टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एनीबडी इज रिलीज टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट के पास भी रहेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? पक्का? यस सर। एवरीवन? यस एवरीवन? सर। कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। ये तो मिसकंसेप्शन है, इसको अच्छे से अपने नोट में लिख के रखना, गलती मत करना। लेकिन हाँ, इवन दो इट इज रिलीज, इसके पास भी कितना स्पीड होगा? 30 मीटर पर सेकेंड। सो कैन आई सी दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज 30 मीटर पर सेकेंड? यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। यस यस सर। थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, थोड़ा साइड बनाता हूँ, जैसे मैं इसका पाथ दिखा नहीं पाऊंगा, है ना? मैं इसका पाथ दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़ा साइड से बनाया। दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड आई होप सो ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन कि ये पत्थर का
पाथ ऑफ मोशन कैसा होगा, ये जो मूव कर रहा है ये दिखने में कैसा होगा, ये इमेजिन कर सकते हैं। यस और नो पीपल, कैन यू टेल मी ये कैसा मूव करेगा? अगर इसके पास यस यस बोलो बोलो बोलो, टेल कैसा मूव करेगा ये? सर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर से नीचे। एग्जैक्टली, वेरी वेरी सिंपल सर, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद ये पत्थर क्या करेगा, दिस स्टोन विल कम डाउन, ऐसा होगा है ना। यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉमनिस का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? यस सर। यस सर। नोट में रखना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट से और एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के पास रह जाता है। इज दैट क्लियर? उस मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को तुमने रिलीज किया उसके पास रह जाता है। इज इट ओके पीपल? इज इट ओके? यस सर। यस सर। Now the question is asking me, find the time after which the stone will hit the ground. Can you can you people tell me कौन सा equation हम use करें इसको solve करने के लिए? Time पूछा जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, what is the displacement of the stone along the y direction? Most important. What is the displacement of the stone along the y direction? 80 meters. Yes, perfect. Because जनता, ये होगा हमारा initial, ये होगा हमारा final. और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा है। सो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज -80 meters, राइट? डिस्प्लेसमेंट होगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्सीलरेशन इन द केस? एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस? -9.8 meters per second। एग्जैक्टली, यू आर आल्सो करेक्ट। सब लोगों ने सही बोला, माइनस बोलना मत भूलना, ठीक है? माइनस बोलना मत भूलना, सही बोला तुम लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर ना मैं -10 लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है? -10, जैसे जी का वैल्यू यहाँ पर मेंशन है 10 meters per second square, तो जी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -10 meters per second square। तो कैन एनीवन टेल मी कि कौन सा इक्वेशन से मैं डायरेक्टली टाइम का वैल्यू निकाल पाऊंगा? फ्रॉम व्हिच इक्वेशन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम देन? s = ut + r² परफेक्ट, एकदम सही बोला। दैट इज sy = ui (t) + ½ ay (t² है ना। सो द डिस्प्लेसमेंट कैसे हमने -80 लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी +30 × t प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की जगह हमने क्या लिख दिया, -10 × t², मतलब इसको सॉल्व करके हमारा टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना? इट विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस केस, इसको सॉल्व करते हैं, है ना? सो दिस इज 2 × 5 = 10, -5 t² के सिर्फ लेके आ जाऊंगा तो +5 t² -30 t, -80 = 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 6, 7, 8, 5, 6 = 30, right? So the final expression in this case is t² - 60 - 16 = 0. है ना people? बोलो ना। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Factor करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 × 2 = 16 होता है, minus minus मतलब minus plus होगा, 8 × 2 = 16 मतलब -80 + 2t - 16 = 0. So in this case ध्यान देना हमको क्या मिलेगा, अगर मैंने यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t -8 मिल जाएगा, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर t -8 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो ध्यान से देखो, दिस इज t -8, दिस इज t +2, एंड ऑल ऑफ अस नो कि t +2 का वैल्यू तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि t जो है उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, t कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अगर 0 हुआ होगा तो कौन 0 हुआ होगा, t -8 का वैल्यू 0 हुआ होगा, विच मीन्स t इज इक्वल टू 8 seconds। जनता जवाब दो, ये समझ में नहीं आया? यस सर। बोलो। यस सर। दिस इज द टाइम इन विच द स्टोन विल रीच द ग्राउंड, है ना? दिस इज द टाइम इन विच द स्टोन विल रीच द ग्राउंड। अगर तुमको कोई वेलोसिटी पूछे तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यू शुड यूज द फॉर्मूला vy = ui + ay (t). अगर तुमको कोई पूछ दे कि कितने वेलोसिटी से जमीन को हिट करेगा, है ना, ui का वैल्यू +30 पुट कर देना, एक्सीलरेशन का वैल्यू -10 पुट कर देना, और टाइम की जगह क्या पुट कर दोगे, 8 seconds। तो तुमको ये पता चल जाएगा कितने वेलोसिटी से ये पत्थर जो है वो जमीन को हिट करेगा। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। एक स्क्रीनशॉट लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। Okay, let's move on to the next question. The stone is dropped from the top of a tower
96 meter tall. People try to understand, 96 meter tall. At the same instant, another stone is thrown vertically upwards from the foot of the tower with a speed of 24 meter per second. इस पिक्चर को पहले हम इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना? Let's imagine the picture in this case. Let us say कि हमारे पास एक टावर है. Try to understand people. ये हमारा टावर है ना चंदा, और ये हो गया हमारा जमीन. तो यहाँ पर बोला है a stone is dropped from the top of a tower 96 meters tall. मतलब यहाँ पर एक स्टोन इमेजिन कर सकता हूँ और यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया है. ड्रॉप्ड बोला था मतलब इसके इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं. और इस बिल्डिंग का जो हाइट है जनता, वो हाइट कितना है बोलो ना, वो हाइट कितना है? दैट इज 96 मीटर्स. सुन रहे हो ना तुम लोग? यस सर. नो यस सर. यस सर. एंड उसी वक्त नीचे और एक पत्थर को ऊपर शूट किया गया. एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड, है ना? 24 मीटर पर सेकंड से शूट किया गया है. फाइंड द टाइम मार्कर व्हिच द स्टोन्स विल मीट. कितने टाइम के बाद ये दोनों पत्थर एक दूसरे के साथ मीट करेगा ये बताना, ठीक है? ओके पीपल, नाउ ट्राई टू इमेजिन मोशन कैसा हो रहा होगा. ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, और कहीं समवेयर इन बिटवीन ये पत्थर जो है एक दूसरे के साथ मीट करेगा. डू यू एग्री विद मी? यस सर. कमांड दीजिए. यस सर. तो यहाँ पर let us say ये जो डिस्टेंस है चलता, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को x बुलाता हूँ, डिस्टेंस लिख रहा हूँ, एंड इस डिस्टेंस को मैंने लिख दिया y. सो डू यू एग्री, कैन आई राइट x प्लस y शुड बी इक्वल टू 96 मीटर्स? यस सर. यस सर. कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग एन इक्वेशन? लेट अस से दे मीट एट टाइम t, है ना? एट टाइम टी ये एक दूसरे के साथ मीट कर, तो हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स प्लस वाई जोड़ के 96 के साथ इक्वेट कर देंगे. ध्यान से देखें. सो इफ आई टॉक अबाउट द मोशन ऑफ द फर्स्ट बॉल, कैन आई यूज द फॉर्मूला एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर? कैन आई यूज दैट चिंता? यस सर. है ना? एस वाई की जगह मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया. सबको बताया मैंने माइनस एक्स क्यों पुट किया? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो इंटू टी. हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा जनता? माइनस जी लिख दिया चल. एंड दिस इज टी स्क्वायर. आई होप सो ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? जी टी स्क्वायर बाई टू. एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया. एक्स का वैल्यू कितना हो गया जनता? जी टी स्क्वायर बाई टू. कम ऑन पीपल. यस सर. यस सर. यस सर. Let us use the same thing for the second ball also. Second ball के लिए भी हम यही formula use करते हैं. देखो हमारा motive क्या है? हमारा motive है कि हम x and y का value निकालेंगे, निकाल के जोड़ देंगे. तो s y का value अगर हम लिखना चाहें, s y को हम plus y लिखेंगे. I hope so all of you will agree कि हमने plus y क्यों लिखा है? Yes sir. Yes sir. Okay. इसका initial velocity को मैं plus 24 into t लिख सकता हूँ. Plus half deceleration है, इसको minus g लिख सकता हूँ. Into t, which means यहाँ पर हम y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 24t minus gt square by 2. Do you agree with me, people? Yes, sir. Yes, Pakta? Yes, sir. Pakta? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमको यहाँ पर already पता है कि x plus y मिलके कितना होना है? 96 meters. X का वैल्यू जनता हम क्या लिख के रखेंगे जनता? जी टी स्क्वायर बाई टू. एंड वाई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 24t माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, दैट इज इक्वल टू 96. क्या देख रहे हो? प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू कैंसिल आउट हो जा रहा है. और टाइम की जगह हम क्या करेंगे? दैट इज 96 डिवाइडेड बाई 24. तो ये तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड टाइम इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेकंड्स. दैट मींस दोनों बॉल को एक दूसरे को हिट करने में कितना टाइम लगेगा? 4 seconds. समझ में आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना पड़ता है? How do you solve such questions? Yes sir. सच्ची में सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir.
बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, नहीं कहिए बता। Ball is thrown vertically upwards with the velocity of u. Find the distance traveled by the ball in t equal to 3u by 2g. बताओ वीरू, could you do this? क्या तुम लोग ये कर पाए? जनता जवाब दो, जल्दी से बोलो। सर ट्राई किया सर, नहीं निकला सर। हाँ, नहीं निकला क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, yes, मैं ट्राई करता हूँ और तुम लोग बोलो कि तुम लोगों से होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये स्टडी करते। अच्छा जनता एक बात बता, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंका गया, यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, जनता डिस्टेंस पूछा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि डिस्टेंस का आंसर अलग हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट का आंसर अलग हो सकता है इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। जब तक डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, एक ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूव कर रहा है तब तो सिंपल है, बढ़िया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा, है ना? सबको तो पता है ना ये सब चीजें। जनता है ना, कुछ तो बोलो यार। यस सर, सबको पता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मुड़ जाता है, घूम जाता है, डायरेक्शन बदल लेता है, तो कहानी बदल जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, अगर हमने यहाँ पर जमीन से एक पत्थर को यू स्पीड से ऊपर फेंका, क्या इस मोशन में टर्न करने का सिचुएशन आएगा? विल देयर बी ए सिचुएशन व्हेन द स्टोन विल टर्न एंड चेंज इट्स डायरेक्शन? यस सर। ऑल ऑफ अस नो कि यस, जनता डेफिनेटली टर्न करेगा। हमको पता ही है, ये चीज पहले क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ घूमेगा, फिर नीचे आएगा। सो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं तुमको डिस्टेंस पूछा है, और कब तक का डिस्टेंस पूछा है जनता? 3u by 2g, बोलो ना। एक मिनट, सॉरी, कब तक का डिस्टेंस पूछा है जनता? 3u by 2g। हमने ना कल ही एक फॉर्मूला डिराइव किया था, और ये था कि व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट। कैन एनीवन टेल मी टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था? अगर तुमने थोड़ा भी रिवाइज किया है तो तुमको याद होना चाहिए। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हाँ, कितना बोलो? यू बाय जी। एग्जैक्टली, टाइम ऑफ एसेंट इज यू बाय जी, मतलब टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। डू ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. B वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि B पॉइंट में पहुंचने के बाद बॉडी अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, है ना? और तुमको टाइम कितने के लिए पूछा गया है? टाइम इन दिस केस इज 1.5 u by g, एंड 1.5 u by g इज मोर देन u by g। यू एग्री विद मी? यस सर। बोलो ना। यस सर। एग्री विद मी? इसका मतलब है डिस्टेंस अगर पूछा गया है तो ये जो टाइम दिया है 1.5 u by g, इसका मतलब है कि बॉल यहां तक तो गया होगा एंड एट द सेम टाइम थोड़ा नीचे भी आया हो, क्योंकि a टू b तक जाने का टाइम कितना है चंपा? a से b तक जाने का टाइम कितना है? u by g। और कितना टाइम बचा रहा है यहाँ पर? अगर 1.5 u by g है तो u by g तो a टू b जाने तक का टाइम हो जाएगा, एंड लेट अस से b से c तक आने का जो ये टाइम है, लेट अस से दैट इज इक्वल टू 0.5 u by g। Do people understand? Do people understand what I say? Yes, sir. Pakka? Everyone, tumhari yahan par time diya hua hai 3u by 2g. 3u by 2g, agar ye time ko dekho, itne time tak body apna direction reverse kar lega. Because body apna direction reverse kab karta hai? U by g mein. Aur tumko time kya diya hua hai? Tumko time diya hua hai 1.5 u by g. To u by g tak time tak, wo to b tak pahunch jayega. और कितना बचा? और कितना बचा? और बचा 0.5 u by g। तो 0.5 u by g तक वो क्या करेगा? रिटर्न नीचे आना चालू करेगा, एंड लेट अस से c तक पहुंचते पहुंचते टाइम का वैल्यू 3 u by 2g हो जाता है। जनता जवाब दो, यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। बोलो ना यार, प्लीज, समझ में आ रही है? यस सर। तो कैन आई से डिस्टेंस इन दिस केस, ध्यान देना चाहता, कैन आई से डिस्टेंस इन दिस केस इज लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी।
बोलो यस सर यस सर बोलो ना अच्छा कैन आई से लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट एच मैक्स यस सर लेंथ ऑफ ए बी का एच मैक्स और उसका फार्मूला हमको ऑलरेडी पता है दैट इज यू स्क्वायर बाय 2g यस सर दिया था मैंने तुम लोगों को क्लास यू स्क्वायर बाय 2g कैन एनीवन टेल मी हम बीसी वाला लेंथ को कैसे निकालें हाउ कैन वी फाइंड आउट द बीसी वाला लेंथ अगर मैं बी से सी तक के मोशन को एनालाइज करूं जनता बी से सी तक के मोशन को एनालाइज करूं कैन आई से यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है बोलो ना यस सर यस सर कैन आई से बी से सी तक जाने में वक्त कितना लगता है 0.5 यू बाय जी यस सर बोलो यस सर तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर और सबको पता हो जाना चाहिए कि इस फॉर्मूला को यूज करके अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू आंसर तो नेगेटिव में निकलेगा बिकॉज़ यहां पर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगा उसका सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा जनता जीरो इंटू टी एक्सीलरेशन कितना होगा जनता ए वाई की जगह माइनस लिख दो टी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 मतलब 0.25 यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर आई होप सो तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना जनता यस सर ओके सो एक मिनट तो यहां पर क्या आएगा जी जी स्क्वायर चला जाएगा और यहां पर बचेगा 0.25 यू स्क्वायर विद अ माइनस साइन डिवाइडेड बाय 2g है ना दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन है ना बोलो ना यस सर यस सर यस सर अगर हमको यस बोलो सर ये तो हाफ ऑफ एच मैक्स हो गया सो वो भी निकाल सकते हैं वैसे करके यस हाफ ऑफ एच मैक्स इन दिस केस नहीं 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 इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा ध्यान से देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 25 यू स्क्वायर बाय 2g डिवाइडेड बाय 100 होगा ना 25 4 जा 100 तो कितना हो गया u स्क्वायर बाय 8g एंड u स्क्वायर बाय 8g इज नॉट हाफ ऑफ h मैक्स सो इट्स 1/4 दिस इज नॉट हाफ ऑफ h मैक्स कैन एनीवन टेल मी आधा क्यों निकला मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों बोला तुमने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि टाइम आधा है यस सर 0.5 u बाय g तो देखो टाइम आधा होने से डिस्प्लेसमेंट भी आधा होगा ऐसा नहीं होगा सर वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी मैं इसको जवाब दूंगा पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ ठीक है आई विल आंसर टू दैट क्वेश्चन बट फटाफट एक बार इसका वैल्यू निकाल लेते हैं एस वाई का वैल्यू यू नो माइनस में निकलता है बट लेंथ लिखूंगा तो हम क्या लिख देंगे यू स्क्वायर बाय एच इज दैट ओके बोलो इज दैट ओके यहाँ पर क्या आ जाएगा एच ही आ जाएगा दिस इज 4 यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 5 यू स्क्वायर बाय एच यस सो दिस इज द आंसर है ना यही आंसर दिया था ठीक है This is 5 years per by 8. I hope so, सबको समझ में आ गया. Now, let us address the question जो पूछा गया. तो doubt ये है कि सर अगर time आ रहा है, ये जो time है, ये तो आधा time है. तो ये जो distance cover किया गया है, इसको भी आधा होना चाहिए. And the जवाब इस ऐसा नहीं होगा. Now, if you remember people, जब मैंने तुमको motion under gravity पढ़ाया था, या motion in 1D जब मैं पढ़ाया था, एक मिनट, एक picture था, yes. इस picture में थोड़ा concentrate करते हैं. तुमको याद है ना, जब ये ball यहां से यहां तक मूव करता है उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है और जब यहां से यहां तक मूव करेगा उसका वेलोसिटी और इंक्रीज होगा और नीचे जाएगा तो वेलोसिटी और इंक्रीज करेगा और नीचे जाएगा तो और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बात को समझो यहां पर वेलोसिटी अगर जीरो है यहां पर वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं 10 meter per second यहां पर हम वेलोसिटी कितना कह सकते हैं जनता कमॉन पीपल हर सेकंड में उसका वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगा 10 meter per second से बढ़ जाएगा यहां पर हम क्या वेलोसिटी कह सकते हैं 30 meter. उसी एक सेकंड में आगे जाके वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यू नो द रीजन फॉर दिस यहाँ पर एक सेकंड में अगर वो बॉल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और अगर वो बॉल नीचे जाता है और उसका स्पीड इंक्रीज करता है तो नेक्स्ट 1 second में वो और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डू नो व्हाई पीपल डू नो व्हाई सर ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर द आंसर शुड नॉट बी एग्जैक्टली ग्रेविटी ठीक है
वेलोसिटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज इट गो डाउन ना बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होते रहता है, बॉडी का जो वेलोसिटी है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट मींस यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूं ये 25 मीटर पर सेकंड होगा, होगा ही नहीं होगा, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इस जगह पर अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो ये कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आया ना, जब उसका वेलोसिटी 0 से 10 मीटर पर सेकंड होता है, दैट मींस पहले 1 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, और फॉर एग्जांपल जब वो नीचे आ जाता है तब उसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है, 25 मीटर पर सेकंड, सो दैट्स बिकॉज़ the velocity is increasing as it goes down. So within the same amount of time, the body is going to cover more amount of distance. So aisa mat samajhna ki agar time same hai, to distance covered bhi same hoga. Nahin. Agar ball upar se utar raha hai, to first ke 1 second mein wo jitna distance travel karega, aur last ke 1 second mein, jab wo zameen ko hit karne wala hoga, that last 1 second mein agar tum distances ko compare karoge, to alag aayega. जब वो जमीन को हिट करने वाला होगा तब उसका स्पीड ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो लास्ट 1 second में जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा एज कम्पेयर टू द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन उसका वेलोसिटी कम होता है, तो उसी 1 second में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है. डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यस सर. यस सर. तो इसी के बेसिस पे ना हम ये कह पा रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम ये कह पा रहे हैं कि देखो टाइम तो आधा है, टाइम आधा होने का मतलब नहीं है कि डिस्टेंस आधा होगा, क्योंकि टाइम आधा होने से क्या हुआ, स्पीड तो वेरी कर रहा है, जब वो बॉल जस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब उसका स्पीड कम होगा, और जब वो बॉल नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा धीरे धीरे, जब ये बॉल नीचे की तरफ जाना चालू करेगा उसका स्पीड इंक्रीज करना चालू करेगा, और उतने ही पीरियड ऑफ टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं है. तुम्हारा बात वैलिड तभी होता अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कॉन्स्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होता तो हाफ ऑफ द टाइम में वो एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस कवर करता, बट एज बिकॉज द स्पीड इज वेरिंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट. डू यू एग्री? यस यस सर. अ डाउट क्लियर सर? इसका डाउट ओके करेक्ट. सारा खेल किसका है? सारा खेल वेलोसिटी का है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसलिए तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा. ओके बच्चा समझ में आ गया सबको? हाँ सर. जो सर बॉल था ना, वो बॉल जब भी नीचे जाता है वो उसका जो वेलोसिटी है सर वो इंक्रीज होता रहता है, तो सर इस ग्रेविटी इज नॉट अ फैक्टर फॉर मोर वेलोसिटी ऑफ द बॉल सर? हाँ यस सर. इज ग्रेविटी अ फैक्टर और नॉट सर? यस ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन आया इसीलिए उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. सो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जस्ट इमेजिन करो कि अगर ग्रेविटी नहीं होता ना तो बॉल का वेलोसिटी चेंज नहीं होता. बॉल को अगर तुमने ऊपर फेंका है ना, ये ऊपर ही जाते रहता, वो टर्न करके कभी नीचे नहीं आता. समझ रहे हो? यस सर. Fine, people take a screenshot. We just left it 1 minute. I'm sending you a new link, huh? Okay? Yes, sir. Okay, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, dekho, scene kya hai? Body sliding in a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom, starting from the rest of the top. How much time does it take to cover 1/4 of the distance starting from the rest at the top? ठीक है, तो लेट अस एक इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं फटाफट. लेट अस एक इंक्लाइन प्लेन बना देते बन जा. हाँ वैसे इंक्लाइन प्लेन, और ये हो गया हमारा बॉडी. इट रिक्वायर्स 4 सेकेंड्स टू रीच द बॉटम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप. अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है चिंता? हाउ मच टाइम डज इट टेक? 4 सेकेंड्स. यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 4 सेकंड लगता है. ओके okay, चलो मैं इसका एक्सीलरेशन ए बोल देता हूँ, है ना. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस? लेट अस से दिस डिस्टेंस इज एस, तो पूछा एस बाय 4 डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लगेगा, है ना? यस सर नो? यस सर. यस सर. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब बॉल तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमने इसको लिख दिया, u का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये हो गया,
एस का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, ए टी स्क्वायर बाई टू है ना, एस का वैल्यू ए टी स्क्वायर बाई टू, जनता जवाब दो। दोनों केसेस फॉर बोथ द केसेस, पहला केस क्या है जब वो पूरा एस डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा केस क्या है जब वो एस बाय फोर डिस्टेंस कवर करता है। दोनों केसेस में सिलेशन तो सेम ही होगा, ए का वैल्यू तो सेम ही होगा जनता, यस और नो जवाब दो। यस सर। और टू तो कांस्टेंट है, अगर ऐसा है क्या मैं लिख सकता हूँ कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बोलो कैन आई से फॉर बोथ द केसेस एक्सेलरेशन ए का वैल्यू एंड टू का वैल्यू तो सेम है, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? कम ऑन। यस सर। इफ दिस इज सो, इफ दिस इज सो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एस वन बाई एस टू इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर बाई टी टू स्क्वायर, लिख सकता हूँ? यस सर। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। ओके फाइन। यस सर। एस वन का वैल्यू जानता हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस वन का वैल्यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस से एस वन इज द डिस्टेंस कवर्ड, पूरा एस डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको मैंने एस लिख दिया, और एस टू कितना होगा जनता, एस बाई फोर फॉर द सेकेंड केस। फर्स्ट केस में क्या था कि इस बॉल ने टोटल एस डिस्टेंस कवर किया था, सेकेंड केस में क्या पूछा गया कि एस बाई फोर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है, कम ऑन पीपल। और टी वन के जगह क्या मैं फोर लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि एस डिस्टेंस कवर करने में वक्त कितना लगा है फोर, और एस बाई फोर डिस्टेंस कवर करने में लेट अस से टाइम कितना लगता है, मैंने टी लिख दिया, सो दिस इज टी स्क्वायर। Do all of you agree with this? Come on, people. Do all of you agree with this? Yes, sir. Yes, chala gaya. Humko kya milega? Upar 4 milega. This is 16 by t square. This is 4, 4 just 16. Aur yahan par t ka value humko kya mil jayega? 2 seconds. Thoda sa alag tarike se maine is question ko kiya. Do all of you understand? Isko humne kaise kiya hai? Yes, sir. Bahut simple tarike se kiya. Alag tarike se bhi kar sakte ho. Yes, sir. You can solve it some other way also. Matlab equation likh ke kar sakte ho. Ratio नहीं लिखने से भी चलता है, बट बस मैंने थोड़ा अलग एक टेक्निक दिखाया प्रॉब्लम सॉल्व करने का। देखो हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन को देखा और ये देखा कि यहाँ पर एस किस पे डिपेंड करता है। देखो सारा कहानी जो है वो किसके ऊपर है कि एस डिस्टेंस कवर करने में 4 सेकंड लगता है, तो ये बताओ एस बाय फोर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो ऐसा पूछा गया है, राइट? दिस इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का खेल चल रहा है, तो मैंने देखा कि एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई टू में ए बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, that means distance covered या displacement covered is directly proportional to the square of the distance, square of the time. Displacement covered is directly proportional to the square of the time. तो उसी concept को हमने use कर लिया, उसी concept को use करके ratio के form में लिख के problem solve कर दिया। Do all of you agree? ठीक है? Is that okay? Yes sir. Yes sir. Screenshot ले लो, take a screenshot. ले लिया? Okay. Yes sir. Did you do this homework? Yes sir. हो गया? Yes sir. Is it done? Yes sir. अच्छा इसका आंसर क्या आया? Can anyone tell me इसका आंसर क्या आया? 10 meter sir. So 10 meter. Oh. 10 meter sir. Great. चलो बढ़िया है, इसका आंसर 10 meter से आगे बढ़ते हैं। Okay. मैंने बोला था ये मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? I'll discuss this with all. Yes sir. बोले वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन क्विक सक्सेशन, ध्यान से देखना, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इन क्विक सक्सेशन इन सच ए वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट। मतलब पहला वाला जो तुमने फेंका है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट में होगा तभी जाके दूसरे बॉल को फेंका जाता है। इफ द मैक्सिमम हाइट इज 5 meters then the number of balls thrown per minute, ये कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है? एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। Let us say ये जमीन है, तुमने पहले वाले बॉल को फेंका, ये वेलोसिटी से है ना, ये बॉल ऊपर गया, एक मिनट, ये बॉल जो है दिस गोज अप राइट और यहाँ पहुंचता है मैक्सिमम हाइट में, कितना डिस्टेंस है जनता, ये डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 5 meters। जब ये मैक्सिमम हाइट में होता है, अगर ये फर्स्ट बॉल है उसी वक्त दूसरे बॉल को फेंका जाता है। इज दैट क्लियर पीपल? जनता जवाब दो। यस सर। इज दैट क्लियर सर? ओके फाइन। तो यहाँ पर बोला है कि तो एक मिनट में ऐसा कितना बॉल फेंका जाता है,
एक मिनट में ऐसा कितना बॉल फेंका जाता है। सो कैन आई से कि जब पहला बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचता है उसी वक्त सेकंड बॉल को फेंका जाता है। सो पहले बॉल को हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, अगर टी टाइम लगेगा, तो कहना इसे हर टी टाइम के बाद एक बॉल फेंका जाता है। आफ्टर एवरी टी टाइम देयर इज वन बॉल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। इफ टी इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाईएस्ट पॉइंट। कम ऑन पीपल Yes, sir. You all of you agree that this T is nothing but time of ascent? Yes, sir. That means ये time of ascent अगर हम निकाल दें तो हर T time के बाद एक ball को फेंका जाएगा, ठीक है? अभी time of ascent कैसे निकाले? तुमको क्या-क्या data दिया है? 5 meters दिया है। Now we know that time of ascent, इसका formula मैंने सिखाया था तुमको, U by G था। तो time of ascent निकालने के लिए तुमको U का value चाहिए। और यू का वैल्यू तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तुमको घुमा के दिया गया है। तुमको ये बोला है कि मैक्सिमम हाइट इज 5 meters। एच मैक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जनता जवाब दो, एच मैक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 meters। 5 meters। और एच मैक्स को क्या मैं यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकता हूँ? दैट इज 5। यस सर। तो यू को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 10g, इसका रूट ओवर। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जी का वैल्यू 10 बोला है तो बढ़िया है। जी का वैल्यू 10 मतलब 10 × 10, और यू का वैल्यू कितना आ जाएगा जनता? 10 meters per second। Do all of you agree people? जनता जवाब दो ना। Yes sir। Yes sir। यू का वैल्यू, yes sir। यू का वैल्यू निकाल लिया तो यहाँ पुट कर देते हैं। यू का वैल्यू अगर 10 है, जी का वैल्यू अगर 10 है, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया जनता? टाइम ऑफ एसेंट हो गया 1 second। मतलब 1 second में पहला बॉल हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हर 1 second में एक बॉल को फेंका जाता है। Come on people, बोलो ना। हर 1 second में एक बॉल को फेंका जाता है, राइट? तो हर 1 second में अगर एक बॉल को फेंका जाता है तो 1 minute में कितने बॉल्स फेंका जाएगा? 60। यस, नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन 1 minute। मुझे पता है कि 1 minute में कितने सेकंड्स है? 60 seconds है। हर सेकंड में अगर एक बॉल फेंकूंगा तो टोटल में कितने सारे बॉल्स फेंका जाएगा? 60 balls फेंका जाएगा। बोलो अभी देखो, अगर तुमको फॉर्मूला से याद है तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन अगर फॉर्मूला से याद नहीं है कि एच मैक्स का वैल्यू कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना है, तब तो फंस जाओगे। तब तो तुम लोग यू नो कम्पिटिटिव एग्जाम दे नहीं पाओगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम का मेन क्राइटेरिया ही यही है कि कौन बंदा कितना फास्ट करेक्टली क्वेश्चन कर सकता है। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अदर पीपल अंडरस्टैंडिंग? यस सर। ओके देखो, यस सर, दो फार्मूला का यूज किया। चलो उसके स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव अहेड। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव अहेड। ले लिया सर? यस सर। आपने भी ये सर रिकॉर्ड किया था ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तूने किया नहीं क्या? नहीं सर, मैं बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अच्छा, नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये वाला होमवर्क किया है तुम लोगों ने? कुड यू डू दिस क्वेश्चन? यस सर। हां सर। कितना आंसर आया है इसका बताओ? बोलो क्या आंसर आया सर? इसका सिर्फ हाफ तक ही कर पाई हूँ सर। सर आंसर इज 4 8 4 8। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर देखने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा। कहाँ गया? सॉल्व भी करना पड़ेगा। बॉडी फीलिंग हमें डर फ्रॉम रेस्ट एट द वेलोसिटी वी आफ्टर इट फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ एच। Distance it has to fall down for its velocity to become double. Solution. ठीक है, एक बॉल है, उसको अगर हम रिलीज कर देंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और ये बोला गया है कि जब ये बॉल कितना डिस्टेंस जनता, कितना डिस्टेंस, h डिस्टेंस जब नीचे उतर जाता है उसका वेलोसिटी का वैल्यू जनता क्या हो जाता है? v होता ही नहीं होता? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो
पूछा कि कितना डिस्टेंस गिनना पड़ेगा ताकि इसका वेलोसिटी डबल हो जाए। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर हमको क्या क्या डाटा दिया हुआ है, वेलोसिटी और एज का रिलेशन, मतलब दे आर गिवन क्वांटिटीज। सो इट्स बेटर वी यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। हमने v स्क्वायर लिख दिया, u स्क्वायर जीरो स्क्वायर लिख दिया, एक्सीलरेशन का वैल्यू जनता हम क्या लिख देंगे माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू माइनस एच लिख सकते हैं, बोलो ना, लिख सकते हैं? यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू जी एच लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी टू जी एच लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ इसको देख के, कैन आई से, कैन आई से वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एच? रिलेशन लिखना चाहूँ कि वेलोसिटी और एच का डिपेंडेंसी कैसा है, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, अभी तुमको ये बोला है कि कितना डिस्टेंस नीचे जाने के बाद इसका वेलोसिटी 2v हो जाएगा, है ना? कितना डिस्टेंस, लेट अस से इट विल हैज टू गो डाउन बाय अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, फर्दर कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, लेट अस से इट हैज टू गो डाउन बाय डिस्टेंस ऑफ h डैश। क्या लिखा हमने, h डैश लिख दिया, बोलो ना, इज दैट ओके? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I write v dash square, v dash मतलब twice v को मैं v dash लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो 2v है, इसको मैं v dash लिख रहा हूँ, बाद में इसके जगह मैं put कर दूँगा। So v dash square by v square, can I say that is equal to h dash square by h square? ऐसे ratio लिख दिया। Do all of you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you people tell me कि v' का जगह हम क्या लिखें? What should I write in terms in place of v'? बोलो, v' का जगह क्या लिखें? फिर 2g' g' h'। नहीं, ये 2v दिया हुआ ना, v' का वैल्यू डबल कौन से हाइट में होगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, at what distance will the velocity become double? तो v डैश को क्या माना है हमने, 2v माना है। पीपल, नहीं आया समझ में तुम लोगों को? जनता समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। पक्का है ना? तो v डैश का वैल्यू 2v हो गया, और वहां पर हमने v का v तो v ही रहेगा, हमको h डैश का वैल्यू चाहिए, h डैश स्क्वायर रख दिया, और h हमको पता है कि जब वेलोसिटी v होता है तब हाइट कितना होता है h, तो v h डेप्थ गिरने के बाद वेलोसिटी v होता है, तो हमने यहाँ पर h लिख दिया। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? अगर ये समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो पीपल, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ओके, सो व्हाट आई गेट हियर, यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा जनता, h डैश स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, h स्क्वायर। तो यहाँ पर हम h डैश स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, h डैश को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 4 h स्क्वायर, एंड आंसर विल कम आउट टू बी 2h। ऐसा तो एक मिनट को करो, ओ हो, किसी ने बोला नहीं, कुछ गलती किया है यहाँ पर कैलकुलेशन में, क्या गलती किया है? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h है यार, मैंने स्क्वायर लिख के रखा है यहाँ पर गलती से, किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या पीपल? यस सर, आया है। पक्का आया है ना? तो किसी ने नहीं बोला क्या गलती किया है मैंने, तुमको बोलना चाहिए था ना ये। तो यहाँ पर h डैश का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, इन दिस केस h डैश इज इक्वल टू व्हाट, 4h। तो जहां से तुमने बॉल को गिराया है वहां से 4h डिस्टेंस नीचे उतरने के बाद, मतलब h डैश का वैल्यू कितना होगा, 4h होगा, 4h डिस्टेंस नीचे गिरने के बाद स्पीड का वैल्यू 2v हो जाएगा। I'm asking everyone. सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. पक्का? Sure. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay sir. इसका screenshot ले लो. Take a screenshot. ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके,
Everyone ready? Everyone ready, people? Yes, sir. Okay. A man throws ball with the same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds. मतलब हर 2 सेकंड में एक बंदा जो है बॉल को जगल कर रहा है. पहले बॉल को फेंका, फिर 2 सेकंड के बाद सेकंड बॉल को फेंका, फिर से 2 सेकंड के बाद थर्ड बॉल को फेंका, ऐसे करके फेंक रहा है. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any instant of time? बोला है उसका स्पीड ऑफ थ्रो कितना होना पड़ेगा ताकि किसी भी टाइम में एटलीस्ट हवा में 3 बॉल्स रहे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक बंदा बॉल उछाल रहा है, हर 2 सेकंड के बाद वो एक बॉल उछाल रहा है. तो ये पूछा जा रहा है कि कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा ताकि एट एनी टाइम हवा में 3 बॉल्स रहे. कम ऑन पीपल, गिव मी अ यस अगर ये क्वेश्चन समझ में आया. यस सर. Yes, sir. मैं करके दूँ? Okay, sir. Okay. चलो, क्लास होता तो तुम लोगों को करने बोलता मैं. मैं करके दे रहा हूँ, ध्यान से दो. Let us see. First ball को फेंका. This is the first ball. कब फेंका मैंने जनता? T equal to 0. Correct? पहले बॉल को जब मैंने फेंका, घड़ी का रीडिंग कितना है? T equal to 0. Okay, people? Give me a yes. Yes, sir. एक बात बताओ, what should be the speed of the throw so that more than 2 balls? More than 2 का मतलब क्या? Minimum 3 होना पड़ेगा. Minimum 3 balls should be in the हवा. हवा में 3 balls रहना पड़ेगा minimum. Yes, sir. So first ball मैंने throw किया. उसके बाद 2 seconds गुजरा. कितना गुजरा? 2 seconds गुजरा. तब मैंने second ball throw किया. T equal to 2 seconds. ठीक है, उसके बाद और 2 सेकंड गुजरा और अब मैं थर्ड बॉल को फेंकने वाला हूं. अभी मैं थर्ड बॉल को फेंकने वाला हूं. बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहला बॉल फेंका, yes, sir. 2 सेकंड के बाद दूसरा, yes, बॉल फेंका और तीसरा वाला बॉल मैं फेंकने वाला हूं. एंड जस्ट अबाउट टू थ्रो द थर्ड बॉल. तो ये ना थोड़ा लिमिटिंग कंडीशन है. जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि जस्ट थर्ड बॉल निकलने वाला है और तुम्हारा फर्स्ट बॉल मेरे दूसरे हाथ में पहुंचने वाला है. राइट टू अंडरस्टैंड कि ये अगर हमारा थर्ड बॉल है, इट इज द थर्ड बॉल. अगर ये निकलने वाला है तो अगर ये मेरा हाथ है, इफ दिस इज माई हैंड, सो दूसरे हाथ में जो फर्स्ट बॉल है वो पहुंचने वाला है और सेकेंड बॉल कहीं हवा में होगा. हो गया ना ये? This is the limiting condition. Yes, sir. कि थर्ड बॉल निकलने वाला है, सेकंड बॉल हवा में है और फर्स्ट बॉल मेरे हाथ में पहुंचने वाला है. ये हो गया हमारा लिमिटिंग कंडीशन. लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि इस कंडीशन को मान के हम जो भी स्पीड निकालेंगे उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम फेंकेंगे, तो क्या होगा? Come on, people. उससे ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो हम क्या होगा? 1 second. हाँ, मतलब ये जो पहला वाला बॉल होगा वो जस्ट हाथ में गिरने वाला नहीं होगा, अभी थोड़ा हवा में रहेगा तब, बिकॉज पहला वाला बॉल और थोड़ा ऊपर जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम एकदम लिमिटिंग कंडीशन लेंगे, बाउंड्री कंडीशन लेंगे. बाउंड्री, बाउंड्री मतलब तीसरा वाला निकलने वाला है और पहला वाला हाथ में गिरने वाला है. डू यू एग्री विद मी पीपल? कम ऑन पीपल, डू एग्री विद मी? यस सर. सबको समझ में आया? So can you people tell me, under this condition, what is the time of flight of the first ball? I'm asking all of you, can anyone tell me what is the time of flight of the first ball under this condition? ये जो condition मैंने discuss किया, जहाँ पर पहला ball हाथ में आने वाला है और तीसरा ball निकलने वाला है. 4 seconds. Exactly. Perfect. I was waiting for your answer. Time of flight of the first ball is 4 seconds. मतलब 4 seconds के वक्त, जब घड़ी में 4 seconds, घड़ी जब 4 seconds hit करेगा ना, तो first वाला ball हाथ को hit करने वाला होगा और तीसरा ball हाथ से निकलने वाला होगा. समझ में आया? So अगर मुझे minimum 3 balls चाहिए हवा में, तो हमारा time of flight should be more than 4 seconds.
विल बी मोर देन 4 सेकंड्स बिकॉज एग्जैक्टली 4 सेकंड्स में क्या होता है, एग्जैक्टली 4 सेकंड्स में क्या होता है जनता, कि पहला वाला बॉल हाथ में पहुंचने वाला है और तीसरा वाला बॉल निकलने वाला है. अगर 4 सेकंड से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम ऑन पीपल, तो फर्स्ट वाला बॉल भी हवा में रहेगा और थर्ड वाला बॉल, कम ऑन, फर्स्ट वाला बॉल जब तक हवा में रहेगा थर्ड वाला बॉल निकल जाएगा अगर 4 सेकंड से ज्यादा हुआ तो. सोचो तो थोड़ा, जस्ट गिव इट अ थॉट कि मैंने जो 4 सेकंड्स लिखा है ना, 4 सेकंड्स एकदम बाउंड्री कंडीशन है कि थर्ड वाला बॉल भी मेरे हाथ से निकलने वाला है और फर्स्ट वाला बॉल भी हमारे हाथ में पहुंचने वाला है. तो फर्स्ट वाले बॉल को यहां से जाके यहां तक आने में मैंने कितना बोला, बाउंड्री कंडीशन कितने हैं, 4 सेकंड्स है बाउंड्री कंडीशन. तो अगर मैंने बोला कि नहीं अभी जो टाइम लगेगा ना वो 4 सेकंड से ज्यादा लगेगा, अगर ये 4 सेकंड से ज्यादा लगेगा इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला बॉल कहां पर होगा, समवेयर यहां होगा. बिकॉज बात को समझो यार, अगर 4 सेकंड से ज्यादा लगेगा फर्स्ट वाले बॉल को हाथ में पहुंचने में, तो फर्स्ट वाला बॉल विल नॉट बी एंटरिंग द हैंड, वो हवा में रहेगा. कम ऑन पीपल. यस सर. देखो किसी को कंफ्यूजन है क्योंकि ये क्वेश्चन समझना ट्रिकी है, इट्स अ बिट ट्रिकी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा. अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं फिर से दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में कि 4 सेकंड से ज्यादा होने से क्या होगा, 4 सेकंड के ज्यादा होने से, 4 सेकंड से ज्यादा का मतलब क्या है, 4 सेकंड से ज्यादा का मतलब ये है कि ये फर्स्ट वाला बॉल जो है 4 सेकंड से ज्यादा मतलब वो हवा में और लंबे टाइम तक रहेगा और जब 4 सेकंड होने वाला होगा तो बॉल यहाँ पर होगा पहला वाला बॉल, और वो थोड़ा सा नीचे आएगा तो तीसरा वाला बॉल हवा में चला जाएगा. अभी देखो ये और ये तीनों के तीनों हवा में है, दिस इज द परफेक्ट कंडीशन. बिकॉज अगर एग्जैक्टली 4 सेकंड्स माना तो पहला वाला बॉल भी हाथ को टच करने वाला होगा और थर्ड वाला बॉल भी हाथ के साथ कॉन्टेक्ट में ही रहेगा क्योंकि वो जस्ट निकलने वाला होगा. अगर हमने 4 सेकंड से ज्यादा ले लिया इसका मतलब ये है टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा ले लिया मतलब जब 4 सेकंड हिट होगा तब तक 1 जो है वो हाथ में नहीं पहुंचा होगा और थर्ड ऑलरेडी निकल चुका हो. कम ऑन पीपल, कम ऑन. यस सर. यस सर. यस सर. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट हम किसका देख रहे हैं, हम 1 वाले बॉल का देख रहे हैं. व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला? एनीवन? 2 u by g इज ग्रेटर देन 4 सेकंड्स. ठीक है ना, तो u का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 4 * 9.8 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा. इन दिस केस मैं क्या लिख सकता हूं, यू इन दिस केस इज ग्रेटर देन 19.6. मतलब अगर तुमने 19.6 से ज्यादा स्पीड से तुमने शूट किया, मोर देन 19.6, तो हवा में मिनिमम 3 बॉल्स तो रहेगा ही या उससे ज्यादा भी रह सकता है. बहुत हाई स्पीड से फेंका तो 1 वाला बॉल बहुत ऊपर जाएगा. उसके बाद तुमने 2 को भी फेंक दिया, 3 को भी फेंक दिया, 4 को भी फेंक दिया, बहुत सारे बॉल्स हवा में रहेंगे. लेकिन मिनिमम कितना होना पड़ेगा, मिनिमम 19.6 से ज्यादा थ्रो करना पड़ेगा. 19.6 होने से क्या होगा, 19.6 होने से पहला वाला बॉल तुम्हारे हाथ को टच कर रहा होगा और थर्ड वाला बॉल भी तुम्हारे हाथ से निकलने वाला होगा, वो तो एकदम बाउंड्री कंडीशन होगी. इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? यस सर. यस सर. यस सर. चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. देखिए स्क्रीनशॉट, ओके, ये वाला क्या होमवर्क, कुड यू डू दिस? यस सर. ओके, इसका आंसर क्या आया जनता? Sir, 8 u square by 2g equal to h. 8, 8 तो ऑप्शन में नहीं है. Anyone else? So then 4 u by g. अच्छा 8 u square by 2g बोला तूने. बाकी लोग आया 4 u square by g? Anyone with the answer? 4 u square by g?
एनीवन विद द आंसर 4u2g भाई कुछ जवाब दो यार विक्रम विदिता यस सर निलन ने किया या नहीं क्या तुम लोगों ने ये क्वेश्चन निशान विद यू डू दिस क्वेश्चंस कम ऑन पीपल जवाब दो यार यू आर लूजिंग टाइम डन सर ओके आंसर क्या आया बताओ What is the answer that you got? I told sir, 4u2g, sir. Okay. I'm not asking you. I'm talking to the rest of the students. ये मुझे जवाब नहीं दे रहे. तुम लोगों ने किया या नहीं किया ये? The four. देखता हूँ मैं इसका आंसर क्या देता हूँ. Okay. इसका आंसर है तुम्हारा 4u2g ठीक है द आंसर इज 4u2 यस सर ओके व्हाट अबाउट दिस ये क्या है यस सर इसका आंसर कितना आया सर 80² / 2 कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है second distance traveled in the last 3 seconds yahan par answer sir, option sir, actually yes sir option actually sir I simplified it okay it is half gt square option a aaya hai ha sir okay yes sir acha abhi iska screenshot lo ye tumhare liye homework hai ye karna hai tumko ठीक है दिस इज वन होमवर्क आगे बढ़े यस सर ये वाला होमवर्क ये वाला तो दिया नहीं तुम लोगों को आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट लो ये हो चुका है आई थिंक सो वी आर डन यस यही दो क्वेश्चंस हैं People are you listening? Sir, can you please show the slides once? I forgot to take the screenshot. Which one? This one? Sir, before that one. Before that one. Before that one, to ye tha. Okay, sir. Then that one only. Okay, sir. ओके फाइन पीपल तो आज मैं फिर से कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा ठीक है नॉट स्टार्ट अप विद अ न्यू टॉपिक बट ये जो दो क्वेश्चन से तुम लोग कंप्लीट कर लेना एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कल जब क्लास में आओगे स्लोप और जो स्लोप का कंसेप्ट था स्लोप का पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है कौन से ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है याद है ना पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का क्या देता है एक्सीलरेशन याद है ये कांसेप्ट प्लॉट का स्लोप एवरेज देता है टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है बिना पढ़े कल क्लास में मत आना देखिए तो पूरा क्लास बेकार जाए सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बिना पढ़े मत आना क्लास ठीक है स्टडी टाइम सब लोग सुनना मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन कल अगर तुम लोग बिना पढ़ के आओगे पूरा क्लास वही जाए ऑल ऑफ यू हैव टू स्टडी स्लोप का कंसेप्ट ग्राफ्स का जो कंसेप्ट हमें डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में याद है ना ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में मेरा वीडियो भी बना हुआ है और तुमने नोट्स भी बनाए उसको अच्छे से सब लोग पढ़ के आओगे ठीक है जनता यस सर यस सर ठीक है चलो डन फॉर टुडे देन